और ये जो मरी है ये किसको दर्शाया जाता है, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और अंतिम, परमेश्वर कहता है ना कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ, है तो वहाँ पर वो जो चीज़ है वो प्रभु परमेश्वर पे जो सिंहासन पर बैठा है उसके ऊपर फिट हो रही है। और ये बात जो है यशब और मणि ये दोनों चीज़ें इज़राइल को दर्शाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह, प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंड हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के, और हम तीसरे खंड के विषय में बात कर रहे हैं परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने सीखा था 7 कलीसियाओं के बारे में और उससे बहुत सी आशीषें हम सब ने प्राप्त करी और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा था। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के सिंहासन के बारे में। यदि आप परमेश्वर के सिंहासन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे पहले पद की ओर। यहां पर जो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। देखिए यहां पर मुख्य रूप से जो है इस पद के अंदर 3 बातें हैं, और वो 3 बातें कौन सी है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और एक आवाज आती है यहां ऊपर आ जा, और तीसरा है मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अब यहां पर क्या है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यहां जो है बड़ा ध्यान देने की बात है कि स्वर्ग में क्या है, एक द्वार खुला हुआ है। जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 56 पद पढ़ेंगे तो वहां स्तेफनुस क्या है, स्तेफनुस स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। बड़ा ध्यान देने की बात है, उस स्वर्ग के अंदर कोई द्वार नहीं देख रहा है। यूहन्ना जो यहां पर है, यूहन्ना क्या देख रहा है, वो स्वर्ग के अंदर एक द्वार को देख रहा है जो खुला हुआ है, स्वर्ग में जाने का एक रास्ता, यानी वो जो है वो उस चीज को देख रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता में भजनकार क्या कहता है, जब भजन संहिता 118 का 19 और 20 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा मेरे लिए धर्म का, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। और इसके 20वें पद में जो है परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि यहोवा का द्वार यही है, इसी से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। अब यहां क्या है, भजनकार क्या कहता है, वो कह रहा है कि मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो। अब धर्म का द्वार कौन खोलेगा, धर्म का द्वार जो है वो परमेश्वर खोलेगा। और यहां क्या कहता है, परमेश्वर का वचन जो वो बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि यहोवा का द्वार यही है, इसी से धर्मी जो स्वर्ग के अंदर जो है, इसी से धर्मी जन जो है वो प्रवेश करने पाएंगे। जी हाँ, अब बड़ा ध्यान देने की बातें हैं, परमेश्वर द्वारा जो है ये भविष्यवाणी जो है उसके पुत्र के विषय में की गई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई है। देखिए स्वर्ग का द्वार कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब आप यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या कहता है, द्वार मैं हूं और जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो ही भीतर जो है वो जाने पाएगा। जी हाँ, परमेश्वर जो है द्वार की बात कर रहा है, वो द्वार को खुला हुआ देखता है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है, यदि हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह नामक द्वार के अंदर से प्रवेश करते हुए हमें जाना है। और याकूब ने भी, जब याकूब जो था अपने पिता के सारे आशीर्वाद को लेकर जब अपने मामा के यहां भागा तो वो एक जगह पर जो था रात उसने बिताई और एक पत्थर का तकिया बनाकर लेट गया, तो उसने क्या सपने में देखा कि उस पृथ्वी से लेकर और स्वर्ग तक जो है एक सीढ़ी है लंबी, और उस पर स्वर्गदूत जो है वो चढ़ रहे आ रहे, और उस सीढ़ी के छोर पर जो है वो परमेश्वर खड़ा हुआ है। तब वो उठता है और वो क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये मोरिया पर्वत की बात है, और उसने उस स्थान का नाम क्या रखा, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब होता है ईश्वर का भवन या परमेश्वर का घर। वरन वो क्या कहता है, ये वो जब उठता है सपने से तो जाकर कहता है कि ये स्थान जो है वो स्वर्ग का क्या है, फाटक है, यानी स्वर्ग का द्वार है।
जी हाँ, बेतेल जो है, जो परमेश्वर का घर कहलाया, जहां पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, जो मोरिया पर्वत पर बना था, वो परमेश्वर का जो है वो स्वर्ग का द्वार उसको याकूब जो है वो बताता है। परंतु जब नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है द्वार में हूं। जी हाँ, वो द्वार में हूं, और प्रभु यीशु मसीह उसी यरूशलम से निकल कर आया। जितनी भी भविष्यवाणियां जो यरूशलम में मोरिया पर्वत पर हुई हैं, वो यीशु मसीह के लिए हुई हैं और वो सब पूरी हुई हैं। फिर यहां पर दूसरा जो पॉइंट है, यहां लिखा है यहां ऊपर आ। यहां ऊपर आने का अर्थ क्या है कि स्वर्ग में प्रवेश करने की बात हो रही है, कि स्वर्ग में तू आ जाए, यहां ऊपर आने की बात है। अब ऊपर आने की बात क्या है कि कैसे वो ऊपर आया, ये अगले पद में है। परंतु यहां पर एक पॉइंट और है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अर्थात जब आप प्रकाशित वाक्य चार अध्याय से पहले जो आपने पढ़ा है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हुई है, कलीसिया को लेकर हुई है, जो भी बातें हैं, वो कहता है ये बातें जो मैंने तुझे दिखाई हैं, इन बातों के बाद अब और जो बातें जो भविष्य में जो पूरी होने जा रही हैं, जो मैं पूरी करने पर हूं, और सारी बातें जो भविष्यवाणी मैं तुझे तेरे से कराऊंगा, वो सब बातें पूरी होने जा रही हैं, उन पे ध्यान देना है और उसको तू बड़े ध्यान से सुनना और उसको समझना और उसको देखना। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। फिर प्रकाशित वाक्य चार अध्याय के दो पद को मैं फिर से आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया। अब आत्मा में आने का अर्थ क्या, जरा बिल्कुल ध्यान देने की बात है। आत्मा में आने का मतलब क्या है, शरीर का बदल जाना। अब यहां पर क्या है, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जैसे प्रेरितों के काम दो अध्याय को जब आप एक से चार तक पढ़ेंगे तो जितने भी वहां पर लोग थे और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो पवित्र आत्मा से भर गए, यानी आत्मा से भर गए। शरीर वही रहा, उनका शरीर नहीं बदला, उनका शरीर वही रहा, सब कुछ उसी शरीर के अंदर आत्मा ने प्रवेश करा। क्यों उस शरीर के अंदर प्रवेश करा, क्योंकि वो शरीर जो था वो उन्होंने परमेश्वर को समर्पित कर रखा था। परंतु यहां जो है, यहां बिल्कुल शरीर क्या है, यहां बदल गया। अब यहां जो है बदलने वाली बात करेंगे। यहां लिखा है ना, जब आप पहला कुरंतियों 15 अध्याय उसका 52 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप उस पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा और हम जब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तो वहां लिखा कि हम बदल जाएंगे। हम बदल जाने का मतलब ये शरीर हमारा कैसे होगा, ये शरीर हमारा स्वर्गदूतों के समान होगा और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। वहां लिखा ना कि हम बदल जाएंगे, हम किसके समान होंगे। जब आप मती 22 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। किसके समान, जैसा स्वर्गदूतों का शरीर है वो शरीर में परिवर्तित हमारा शरीर हो जाएगा। और यूहन्ना का जो है वो वही शरीर जो था वो स्वर्गदूत के शरीर में परिवर्तित हो गया, जैसा स्वर्गदूतों का शरीर था, यानी वो बदल गया, वो आत्मा में आ गया। अब उसका शरीर जो था ये संसारिक शरीर नहीं रहा। आत्मा मिलने के बाद भी अगर हमें आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो ये शरीर नहीं बदलता, ये शरीर वैसे ही रहता है। परंतु जिस समय स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने की बात होगी, तब ये शरीर बदल जाएगा और स्वर्गदूतों के समान होगा। दूसरा कुरंतियों 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है अपने स्वर्गीय घर को पहन लेंगे, यानी जो परमेश्वर की ओर से मिलेगा, यानी स्वर्गीय घर को, स्वर्गीय घर को मतलब स्वर्गीय शरीर को जो है वो हम लोग पहन लेंगे और प्रभु के साथ जो है वो बात करेंगे और मिलेंगे। फिर वो क्या कहता है, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब यूहन्ना जो है वो स्वर्ग के अंदर पहुंच जाता है, और जब यूहन्ना स्वर्ग के अंदर पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग में जो सिंहासन रखा हुआ है, अब वो एक विशेष बात उसको दिखाई जा रही है कि जो सिंहासन रखा है वो बिल्कुल अलग और अद्भुत तरीके का है और उस पर कोई बैठा है, और जो कोई उस पर बैठा है उसकी भी जो पोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, अलग दिखाई दे रही है। और यूहन्ना का ध्यान जो है पूरा उसकी तरफ चला गया। सिंहासन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है अधिकार, यानी कोई अधिकारी बैठा है या प्रभुता करने वाला बैठा है। जैसे आपने देखा होगा जब उस समय राजा महाराजा होते थे तो उनका सिंहासन अलग होता था, यानी वो राजा हैं, प्रभुता करने वाले हैं, एक बहुत पूरे देश के या बहुत सी जगहों के वो राजा हैं।
जी हाँ, राजा होते थे और यहां पर है, मगर यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। आप जरा तीसरा पद जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तीसरा पद है प्रकाशित वाक्य 4:3, जो उस पर बैठा है वह यशव और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। या अब यहां पर जो है जो सिंहासन पर बैठा है वो क्या दिखाई, उसका रूप अलग दिखाई दे रहा है। अब वो यशव और मणिक्य के समान जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दो प्रकार के मणि है, उनका वर्णन जो है वो किया गया है। और ये जो मणि है ये किसको दर्शाया जाता है, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और अंतिम, परमेश्वर कहता है ना कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, आदि और अंत हूं, है? तो वहां पर वो जो चीज है वो प्रभु परमेश्वर पे जो सिंहासन पर बैठा है उसके ऊपर फिट हो रही है। और ये बात जो है यशव और मणिक, ये दोनों चीजें इसराइल को दर्शाती हैं। जी हाँ, इसराइल को दर्शाई जाती है, बहुत जानने की बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये इसराइल को दर्शाई जाती है। अर्थात जो सिंहासन पर बैठा है वो इसराइल का परमेश्वर है, ध्यान दीजिएगा, जो सिंहासन पर बैठा है वो इसराइल का परमेश्वर है। जब आप अगर इन मणियों के बारे में जानना चाहेंगे तो जब आप निर्गमन 28:6-30 तक पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर एपेद और चापरस जो है जिसको सीनाबंद कहते थे, या जो याजक और महायाजक होते थे उनके लिए बनाई जाती थी और वो उसको पहनकर जो थे पवित्र स्थान में जाते थे। वो चापरस जो थी उसके अंदर चार खाने ऐसे बने होते थे चकोर, ऊपर 3 खाने और फिर नीचे 3 खाने, 3 ऐसे 4 यानी 12 खाने होते थे। और उसमें जो थे 12 प्रकार के मणि जड़े होते थे, 12 प्रकार के मणि, और उन मणियों पर इज़राइल के जो गोत्र थे, जो बेटे थे याकूब के, जो 12 बेटे थे उनके नाम खुदे होते थे। जी हाँ, उनके नाम खुदे हुए थे और वो जो थे चापरस पर जड़े होते थे। और वो कौन से होते थे, पहली पंक्ति में कौन से होते थे, पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मणि का नाम आया है और यशव का आया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको निकालिएगा नहीं। तो पहली पंक्ति में माणिक्य, पदमराज, तीसरा लालड़ी जो थी वो मणि होती थी, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा होते थे, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम होते थे, चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशव होते थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 12 प्रकार के मणि मैंने आपको बता दिए हैं। पहला मणि का नाम क्या आया है, मणिक्य आया है, और लास्ट वाली का यशव, यानी पहला जो है रूबेन होता था यानी पहला, और यशव जो था वो बिन्यामीन होता था और वो क्या है, वो अंतिम बेटा था उसका। पहला बेटा रूबेन था और अंतिम बेटा कौन था, बिन्यामीन था, इसलिए उसको प्रथम और अंतिम भी कहा गया है और उसको इज़राइल का परमेश्वर भी कहा गया है जो वो देख रहा है। यहां पर जो दो मणियों के नाम दिए गए हैं उनका वर्णन मैंने करा है, ये उसका भेद है, उस भेद को जो है प्रकट किया है। फिर लिखा हुआ है सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघ धनुष है। मेघ धनुष का मतलब है कि बादल का धनुष है, बादल जो है वो एक धनुष के रूप में जो है उस सिंहासन के चारों तरफ जो है ऐसा फैले हुए हैं। और उनका जो रंग जो है, उस बादल का जो रंग है वो मरकत के समान है। मरकत जो होता है ये एक प्रकार का मणि है और ये हरे रंग का होता है जिसको पन्ना बोला जाता है। जी हाँ, पन्ना बोला जाता है, और उसकी खूबसूरती बहुत अलग है, बहुत महंगा होता है, और उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल हरा, ये मत सोचिएगा हरा, वो रंग ही कुछ अलग होता है उसका हरा। वो बादलों का रंग जो है, वो जो धनुष है, बादलों का जो धनुष है उसका रंग जो है सिंहासन के चारों तरफ उसका रंग फैला हुआ है और वो पन्ना के समान, यानी मरकत पन्ना के समान जो है हरे रंग का जो है वो फैला हुआ है और वो चारों तरफ बना हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है अभी मैंने सिर्फ 3 पद खुलासा करे हैं क्योंकि इसमें बहुत भेद की बातें हैं और बहुत भेद की बात जो है वो मैंने आपको बताई हैं। प्रकाशित वाक्य 4:1-3 है, आगे हम आने वाले और संदेशों में देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।